आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। आप देख रहे हैं इस समय जेके मीडिया। मैं आपको बताऊं कि दीपावली का पर्व 2 दिन के बाद है और 25 तारीख को दीपावली का पर्व जो है वो मनाया जाएगा पूरे देश और दुनिया में। ये पर्व क्यों मनाया जाता है, इस पर्व के पीछे क्या प्रथा है और कब कब इस पर्व में पूजन अर्चना किया जाता है, इसकी पूरी विस्तार से जानकारी हम जो यहाँ के पंडित जी हैं उनसे लेंगे। पंडित गंगाराम कटेल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पंडित जी क्या कहेंगे, जो दीपावली का पर्व है ये कितने दिन मनाया जाता है? लोग कहते हैं कि 5 दिन दीपावली मनाते हैं, वो 5 पर्व कौन से हैं और दीपावली का क्या टाइम है, दीपावली कैसे मनानी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। सबसे पहले तो अमित जी, मैं जेके मीडिया के दिल की गहराई से हार्दिक शुभकामना देता हूँ दीपावली और धनतेरस की। ये जो दीपावली के जो पर्व है ये विशेष करके 5 दिन का है। ये यम प्रतीर्थ दीपदान, जैसे कि 22 तारीख से शुरू हुआ, उसके बाद आया धनतेरस जो कि आज शाम को 6:30 के बाद ये लगना है और कल शाम के 6:04 तक ये रहेगा। और किसी किसी प्रांत में जो है धनतेरस कल आज मना रहे, और हमारे रजौरी में जिस पंचांग से हम यहाँ पर मुहूर्त वगैरह देखते हैं या तिथि वगैरह नक्षत्र वगैरह देखते हैं पंचांग दिवाकर, उसमें दिया गया कि धनतेरस का जो पर्व है ये 23 तारीख को मनाया जाएगा और इसका जो टाइम रहेगा शाम को 6:04 से पहले ही जो भी अपना सामान वगैरह खरीदना हो तो आप इसमें खरीद सकते हैं। उसके बाद आता है कि नरक चतुर्थी जो कि शाम के 9 बजे तक शाम को रहेगा ये। उसके बाद आएगा आपका गोवर्धन पूजा, उसके बाद आएगा भाई दूज। पहले हमारा धनतेरस जो कि कल है, उसके बाद शुभ दीपावली है 24 तारीख को। इसका जो समय जो रहेगा दीपावली का शाम को 5:28 में ये अमावस्या तिथि शुरू होनी है और उसी में जो है कि 5:30 के बाद जो है आप अपने घर में दुकानों में आप पूजा वगैरह कर सकते हैं और ये समय आपके लिए 5:30 का समय आपके लिए उत्तम रहेगा सभी के लिए। और इसमें भी कुछ समय जो है कि ज़्यादा अच्छा 9 बजे से लेकर 10 बजे का जो टाइम रहेगा रात का वो ज़्यादा शुभ माना गया है। हालांकि दीपावली का दिन है, इसमें मुहूर्त का भी कोई इतना विशेष नहीं होता, पर कुछ बुजुर्ग जो है कि अच्छे मुहूर्त में पूजा वगैरह करते हैं तो अगर कोई मुहूर्त देखे अगर करना चाहे तो 9 बजे से लेकर 10:30 के बीच में। क्या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दीपावली के दिन कुछ ग्रहण काल भी है, क्या उसमें ग्रहण भी है और ग्रहण में क्या करना चाहिए? ग्रहण ये 25 तारीख को है, दिन को लगभग 2:30 से लेकर 6:30 तक 6:32 तक ये रहेगा। ये मंगलवार को 25 तारीख को ग्रहण का है। इसका सूतक 12 घंटा पहले से ही पढ़ना है। तो जो मंदिर है हमारे, जो चाहे हमारे घर है उसमें भी जो है सवेरे मंगलवार सवेरे पूजा वगैरह आप न करें, क्योंकि भगवान जी को हाथ नहीं लगा सकते। जो खाने का पदार्थ है उसमें भी कूसा डाल के रखे, गंगा जल डाल दे, तुलसी पत्ती डाल दे, जो कि हमारे जो ग्रहण काल में जो दोष होता है सूतक लगता है वो उसकी निवृत्ति होती है, वो डालने के रखने से आप बाद में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 25 तारीख को ग्रहण का ग्रहण 25 तारीख को है। जो ये धनतेरस है, धनतेरस पे क्या करना चाहिए, खास क्या रहता है धनतेरस पे? धनतेरस में इसमें कुबेर जी की विशेष करके पूजा होती है, क्योंकि धन को एकत्रित करके रखने वाले भगवान कुबेर जी है, जो हमारे धन को इकट्ठा करके रख देते हैं। लक्ष्मी माता तो देती है और उसको खजाना इकट्ठा करके रखने वाले कुबेर जी है, इसमें विशेष करके कुबेर जी का पूजा होता है। उसके बाद गणेश जी, कुबेर जी और दीप का इनका पूजा होता है। और इसमें जो है विशेष करके धनतेरस में कोई हम ऐसे पात्र खरीदे, सोना खरीदे विशेष करके ये अच्छा रहेगा, तांबे के कोई बर्तन खरीदे, पीतल के कोई बर्तन खरीदे तो इसके लिए विशेष करके शुभ होगा। कोशिश करके करें कि प्लास्टिक और कोई भी प्लास्टिक के सामान, इसके बाद कोई कांच के सामान ये ना ले, क्योंकि इसमें स्टील का भी नहीं लेने चाहिए। जितना हो सकता है कि आप सोना इसके बाद तांबा पीतल में अगर जोड़ दे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, सभी के लिए अच्छा। जो लोग दीपावली के दिन ज़्यादातर लक्ष्मी माँ की पूजन करते हैं ताकि लक्ष्मी माँ की कृपा उन पर बनी रहे और साल भर उन्हें पैसों की कोई कमी ना आए, वो लोग किस तरह से पूजन करें, उनके लिए कुछ बताएंगे कुछ खास? हाँ,
लक्ष्मी जी के पूजन के कई प्रकार के पदार्थ हैं जो आपने लोग अपने सुविधा के हिसाब से पूजा करते हैं। कुछ लोग हैं पत्र पुष्प से ही पूजा करते, किसी के कोई कोई नाना प्रकार के पदार्थ से पूजा करते। इसमें विशेष करके जो है लक्ष्मी पूजा में हम कई बार गलती कर बैठते हैं कि सिर्फ हम लक्ष्मी जी के ही पूजा करते, पर ऐसा नहीं है। गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजा किए, क्योंकि नारायण के बगैर लक्ष्मी भी अधूरी है। जहाँ आप नारायण को भजोगे तो लक्ष्मी स्वतः ही चली आती है आपके घर में। तो जब भी हम ये पूजा करें तो लक्ष्मी जी के, तो लक्ष्मी नारायण दोनों के ही आवाहन करें। इसमें विशेष करके शालिग्राम जी का, गोपाल जी का पूजन करें षोड़श प्रचार से। उसके बाद जो है कि महालक्ष्मी जी का पूजा करें, गणेश जी के पूजा करें, सरस्वती माता जी के पूजा करें, कुबेर जी का पूजा करें। तो इसमें कई प्रकार के पदार्थ है पूजा के लिए। विशेष करके मैं आपको बताऊँ कि अमित जी कुछ लोग हवन के द्वारा माता जी को रिझाते हैं, कुछ लोग पूजा के द्वारा रिझाते हैं। जो जिसको जैसा अच्छा लगता है वो करे। हर आदमी हवन पूजन, हवन नहीं कर सकता, पूजन कर सकते, पर विशेष करके कोई पंडित जी से टाइम टेबल लेके अगर हवन पूजन करे तो इस बार के दीपावली के लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा, ज़्यादा उत्तम है इस बार के दीपावली। तो दीपावली का पर्व इस बार काफ़ी उत्तम आ रहा है, और दीपावली 5 दिन जो है वो मनाई जाती है। आपको बताएं कि पहला दिन जो है धनतेरस का रहता है, दूसरा दिन जो है नरक चतुर्दशी रहता है, जब दीप दान जो है वो किया जाता है। उसके बाद दीपावली का पर्व है, और दीपावली के बाद जो है भाई दूज मनाया जाता है, और उसके बाद गोवर्धन जो है पूजन के बाद जो है ये दीपावली का पर्व जो है वो जो है समाप्त हो जाता है। तो 5 दिन जो है दीपावली का पर्व रहता है, और हर व्यक्ति को चाहिए कि दीपावली के दिन वह माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण की भी पूजन करें, क्योंकि नारायण के बिना जो है वो लक्ष्मी माँ अधूरी है। तो इसलिए नारायण की पूजन जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। पंडित जी ने ये बताया है कि पंडित जी ने कहा है कि जब आप नारायण की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी माँ की कृपा अपने आप पर जो है वो बरसेगी। तो आप सबके लिए दीपावली शुभ रहे, और पूरे हमारी जेके मीडिया की टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय डोगरा के साथ मैं अमित शर्मा, जेके मीडिया, राजौरी।